दोस्तों, हमारे घर में आने वाले 230 वोल्ट एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट को 5 वोल्ट डीसी यानी डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए एक छोटा सा सिंपल बहुत ही आसान सर्किट बनाने का जरूरत पड़ती है, जिससे कि आप अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं अपने मोबाइल को चार्जिंग केबल से जोड़ रहा हूँ और मेरा मोबाइल बहुत ही अच्छी तरीके से चार्ज भी हो रही है। इसका मतलब आप इसको मोबाइल चार्जर भी कह सकते हो। इससे आप अपने घर में रखे हुए किसी डीसी मोटर को बहुत ही अच्छे तरीके से घुमा सकते हो और 5 वोल्ट के किसी भी अप्लायंसेस को आप चला सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो, मेरे पास एक 5 वोल्ट की एलईडी फ्लैशर है और ये इस एलईडी फ्लैशर भी बहुत ही अच्छी तरीके से जल रही है। तो दोस्तों, इस कन्वर्टर सर्किट को क्वैश से बहुत ही आसानी से बनाया जाता है, ये आज हम सीखेंगे। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल यानी घंटी को बटन को जरूर दबाइएगा आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए सीखते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरिजीत, आप देख रहे हो ज्ञान सपोर्ट फॉर एवरीथिंग। दोस्तों, इस सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं इस ट्रांसफार्मर को घर में आने वाले सप्लाई से जोड़ूंगा और देखूंगा कि इनमें से कितना वोल्ट एसी निकल रही है। दोस्तों, आप देख सकते हो इस ट्रांसफार्मर से 15 वोल्ट एसी निकल रही है। इसका मतलब मेरा घर में आने वाली बिजली का भी वोल्टेज का सप्लाई भी ज़्यादा ही होगा। हाँ, 15 वोल्ट एसी निकल रही है। तो घर में आने वाली बिजली का वोल्टेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो 250 के आसपास है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर का जो 15 वोल्ट एसी आउटपुट है, पहले तो मैं उस 15 वोल्ट एसी आउटपुट को डीसी में बदलूंगा और इस 15 वोल्ट डीसी में बदलने के लिए मुझे एक ब्रिज रेक्टिफायर का बनाना जरूरी है। ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए IN4007 वाला 4 डायोड्स का जरूरत पड़ती है। दोस्तों, ये है ब्रिज रेक्टिफायर बनाने का डायग्राम। पहले आप 2 डायोड्स का कैथोड वाले साइड को जोड़ दीजिए, उसके बाद बाकी बचे 2 बचे डायोड्स का एनोड वाले साइड को भी आपस में जोड़ दीजिए। अब रह जाएगा आपके पास 2 सेट्स डायोड्स। तो इन चारों लेग्स को आप खाली बचे चारों लेग्स को आपस में जोड़ दीजिए, बन जाएगा आपका फुल ब्रिज रेक्टिफायर। दोस्तों, अगर आप फुल ब्रिज रेक्टिफायर डिस्क्रिप्टिव तरीके से बनाना सीखना चाहते हो तो मेरा इसके ऊपर बनाया हुआ पहला एक वीडियो है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और सजेस्टेड वीडियो में भी मिल जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को सीखने में आसान हो इसलिए मैं एक वुड पीस लूंगा और उस वुड पीस के ऊपर मैं पूरा सर्किट बनाऊंगा। पहले तो मैं अपना ट्रांसफार्मर को उस वुड पीस में जोड़ूंगा और जो ब्रिज रेक्टिफायर बनाया था उसको उधर सेट कर दूंगा। अभी ट्रांसफार्मर के एसी वाले आउटपुट को ब्रिज रेक्टिफायर के एसी वाले लेग्स पे जोड़ दूंगा यानी शोल्डरिंग कर दूंगा। आप देख सकते हो मैं शोल्डरिंग कर दिया और 25 वोल्ट वाला 3300 UF का एक कैपेसिटर ब्रिज रेक्टिफायर के डीसी वाले लेग्स पे जोड़ दूंगा ताकि डीसी करंट को फिल्टर मिल सके। अभी मैं कैपेसिटर को वुड पीस में जोड़ दूंगा और बड़े हुए लेग्स को काट दूंगा। पहले तो मैं ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव वाले लेग्स को कैपेसिटर के पॉजिटिव वाले हिस्से में जोड़ दूंगा और ब्रिज रेक्टिफायर के नेगेटिव वाले लेग्स को कैपेसिटर के नेगेटिव वाले हिस्से में जोड़ दूंगा। दोस्तों, अभी हमें 7805 वाले एक वोल्टेज रेगुलेटर को जोड़ना है। थोड़ा याद रखिएगा, वोल्टेज रेगुलेटर का बाएं तरफ वाला जो लेग्स है उसको गेट कहते हैं। इनमें ज़्यादा वोल्टेज डालिए और दाएं तरफ का जो आखिर का लेग्स है उससे 5 वोल्ट वाला करंट आपको कॉन्स्टेंटली मिलता रहेगा और बीच वाले जो लेग्स है उसे ग्राउंड कहते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी वोल्टेज रेगुलेटर के गेट को कैपेसिटर के पॉजिटिव वाले हिस्से से जोड़ रहा हूँ। आप देख सकते हो मैं कैपेसिटर को पॉजिटिव वाले हिस्से को गेट से जोड़ दिया, ये मैं शोल्डरिंग कर रहा हूँ, और कैपेसिटर के नेगेटिव वाले हिस्से से एक वायर को वोल्टेज रेगुलेटर के ग्राउंड पे शोल्डरिंग कर दिया और एक वायर को ग्राउंड से निकल दिया और एक वायर को वोल्टेज रेगुलेटर का आउटपुट से निकल दिया। दोस्तों, अभी आप देख सकते हो हमारा ये जो सर्किट था ये पूरा बन चुका है। इसको मेन लाइन से जोड़ दिया और मल्टीमीटर से चेक करके देखूंगा कितना वोल्टेज निकल रही है। तो आप देख सकते हो इस सर्किट से 5 वोल्ट डीसी करंट निकल रही है, मतलब हमारे पूरा जो सर्किट है ये सक्सेसफुली काम कर रही है। दोस्तों, हमारे मोबाइल को चार्ज करने के लिए एक यूएसबी फीमेल का ज़रूरत है, तो इस यूएसबी फीमेल को मैं इस सर्किट से जोड़ दूंगा। तो पहले तो प्लस वाले सेक्शन को जोड़ दूंगा और उसके बाद माइनस वाले हिस्से को भी जोड़ दूंगा। ये दोस्तों, मैंने ये शोल्डरिंग कर दिया, बस हम लोग का काम पूरा हो चुका है।
अभी आप देख सकते हो ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही इजी है। अभी मैं एक 5 वोल्ट का मेरे पास एलईडी है, इसको लगा के थोड़ा चेक करके देखूंगा कैसे जल रहा है। बहुत ही बढ़िया तरीके से जल रहा है, मतलब हम लोग का काम पूरा हो चुका है दोस्तों। अभी मैं 2 क्रोकोडाइल क्लिप को लगाऊंगा, एक पॉजिटिव वाले हिस्से में और एक नेगेटिव वाले हिस्से में, क्योंकि बहुत सारे अप्लायंस चलाना है, देखना है, क्योंकि ये बहुत यूजफुल वाला सर्किट है, क्योंकि ये मेरे घर के बहुत सारे काम पे आ जाएंगे दोस्तों। ये मैंने 2 तार को वोल्टेज रेगुलेटर को पॉजिटिव और नेगेटिव वाले आउटपुट में लगा दिया। अभी देखते हैं क्या क्या चला सकते हैं हम। पहले तो मोबाइल को चार्ज करके देखेंगे दोस्तों। अभी मैं यूएसबी को फीमेल से कनेक्ट कर दिया और दूसरे हिस्से को मोबाइल को कनेक्ट कर दूंगा। आप देख सकते हो मोबाइल बहुत ही बढ़िया तरीके से चार्ज हो रही है। अभी मेरा ये 2% चार्ज है, थोड़े देर बाद देखेंगे, ये 20 मिनट बाद आप देख सकते हो 69% तक चार्ज हो चुका है दोस्तों। अभी मुझे इस मोटर को घुमाना है तो मैं मोटर को जोड़ दिया और पॉजिटिव वाले क्रोकोडाइल क्लिप को भी लगा दिया। आप देख सकते हो मोटर भी बहुत ही बढ़िया तरीके से घूम रहा है। और मेरे पास अभी एक एलईडी फ्लैशर है 5 वोल्ट का, उसको भी लगाऊंगा। ये एलईडी फ्लैशर कैसे बनाया जाता है उसको भी मैं सिखा सकता हूँ, उसका भी वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और सजेस्टेड वीडियो में भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलते रहे आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। जय हिंद, फिर मिलेंगे, वंदे मातरम।